राजस्थान के विभिन्न प्रजामंडलों की हमने बात की, जयपुर प्रजामंडल की बात की, बीकानेर प्रजामंडल की भी हमने समझा, जोधपुर प्रजामंडल को समझा, उदयपुर प्रजामंडल को समझा। तो मोटे मोटे प्रजामंडल थे चार। अब कुछ छोटे प्रजामंडल है जिनकी कहानियां ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, तो उन्हीं में आज हम एक और प्रजामंडल की बात करेंगे और उस प्रजामंडल को बोलते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर प्रजामंडल की कहानी क्या थी उसको हम समझते हैं कि जैसलमेर प्रजामंडल में क्या हुआ था और क्या नहीं। तो देखो, जैसलमेर प्रजामंडल को समझने से पहले कुछ मैं बातें कर लेता हूं। जैसलमेर प्रजामंडल में कुछ नहीं समझना है, केवल दो चीजें महत्वपूर्ण है। दो चीजें महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? एक चीज तो है जो जैसलमेर प्रजामंडल था उसकी स्थापना कहां हुई। मोटे मोट जो मोस्ट बातें होती है उसका कोई योगदान देखने को नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो जैसलमेर प्रजामंडल में है, सागरमल गोपा का योगदान। तो फटाफट हम समझते हैं, दो पन्नों में, 10 मिनट में हम समझ लेते हैं जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना से पहले। सबसे पहली जो बात आती है वो है 1896 में। 1896 में जैसलमेर के शासक थे, भाटी वंश का शासन था आपको पता है, और भाटी वंश के शासक थे सालिवान। तो उन्होंने टैक्स वृद्धि की थी 1896 में। तो 1896 में टैक्स वृद्धि की तो वहां के व्यापारियों ने इसका विरोध किया, और पहली बार हमने देखा कि 1896 में कुछ लोग ही सही, व्यापारी ही सही, लेकिन एकजुट होकर राजा का विरोध किया था। तो 1896 में टैक्स के विरोध में, टैक्स वृद्धि के विरोध में लोगों ने आंदोलन किया, राजा झुका नहीं, लेकिन जनता के मन में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहां के भाटी शासकों ने, जैसलमेर दूरदराज की रियासत है, आप सबको पता है पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ती थी, और जैसलमेर में न कोई अखबारों का चलन था, न राजा शासक ने अनुमति दे रखी थी, न संचार के साधनों का विकास हुआ, न शिक्षा का विकास हुआ। इस वजह से वहां राजनीतिक चेतना थोड़ी बाद में आई, इसलिए यहाँ का प्रजामंडल है लगभग आजादी के पास 1945 में इसकी स्थापना हुई। तो मैं कह रहा था वहां कोई संस्था बनी नहीं थी, तो वहां से देखेंगे हम। तो सबसे पहली बात आती है 1896 की, मैंने बात की 1896 में व्यापारियों ने कर बढ़ाने के विरुद्ध आंदोलन किया था। और उसके बाद में हम बात देखें तो 1915 में जैसलमेर में एक वाचनालय स्थापित किया गया जिसको बोलते हैं जैसलमेर सर्वहितकारी वाचनालय, जिसमें सागरमल गोपा जैसे नेताओं ने ये कोशिश की कि कम से कम यहाँ अखबार मंगवाया जाए और लोगों को पढ़ने को दिया जाए, देश की घटनाओं की जानकारी उनको हो। लेकिन शासक को ये मंजूर नहीं था, इसलिए इस वाचनालय, जो वाचनालय की मैं बात कर रहा था, इस जैसलमेर सर्वहितकारी वाचनालय, इसकी स्थापना का प्रयास किया, लेकिन राजा ने इसको स्थापित नहीं होने दिया। उसके बाद में हम देखें तो 1915 की घटना के बाद में हम देखें तो उसके बाद में आती है 12 फरवरी 1920 को। प्रवासी जो जैसलमेर के प्रवासी व्यापारी बहुत होते हैं जैसलमेर में, आज भी देखोगे तो जैसलमेर के लोग हैं गुजरात महाराष्ट्र में बहुत मिल जाएंगे आपको, काफ़ी व्यापार में भी अग्रणी थे। तो 1920 में जैसलमेर के जो प्रवासी लोग थे उन्होंने जैसलमेर के शासक से कहा कि यार ठीक है आपका शासन तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ सुधार करना चाहिए, आपको शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए, वहाँ आपको टीचर लगाने चाहिए, नगर पालिकाओं का गठन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, अखबार आने चाहिए, कुछ सुधार तो करो। उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया था, कब किया? 12 फरवरी 1920 में शासक को दिया। जैसलमेर के शासक ने कहा कि चलो ठीक है, हम विचार करेंगे, आपकी जो मांगे हैं उन पर विचार करेंगे। लेकिन उसी समय जो मैं बात कर रहा था सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा ने इन सभी मांगों को एक पत्रिका में बनाया, पत्रिका में छपवाया और लोगों को वितरित की। जैसलमेर का शासक नाराज हो गया कि यार मैंने तो कहा था सोचने के लिए कि सोचूंगा, और आपने तो ये कागज बंटवा दिए, ये चीज गलत है। और सागरमल गोपा को अखबार पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह और आईदान सिंह, दो तीन और व्यक्ति थे, इनको भी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यहां 1920 की बात आती है। उसके बाद में हम देखें तो 1920 के बाद में बात आती है देखो ध्यान से समझना, नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहरलाल नेहरू थे, राष्ट्रीय नेता थे उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो जैसलमेर में जवाहरलाल नेहरू जब बीमार हो गए तो जैसलमेर में उनके लिए, उनके स्वास्थ्य कामना के लिए एक दिवस मनाया गया जिसको बोलते हैं जवाहर दिवस, जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना के लिए। लेकिन यह बहुत बड़ा आंदोलन था उस समय की स्थिति में, 1930 में किसी के स्वास्थ्य की कामना करना भी बहुत बड़ा राजनीतिक
राजनीतिक प्रयास माना जा सकता था। तो 1930 में जवाहर दिवस मनाया गया। सवाल याद रखना, जैसलमेर ऐसी कौन सी रियासत थी जहां जवाहर दिवस मनाया गया? तो सीधा सा उत्तर आएगा जैसलमेर रियासत। अब बात करें आगे बात को, 1930 के बाद में घटना आती है 1932 की। देखो ध्यान से समझना, 1932 में एक संगठन बनाया गया जिसको बोलते हैं महेश्वरी नव युवक मंडल, महेश्वर, जिसमें युवाओं को एक संगठन बनाया गया और कहा गया कि संगठित होकर हम प्रयास करेंगे। इसमें एक नेता हुआ करते थे उस समय जिनका नाम बहुत महत्वपूर्ण, याद रख लेना, उनका नाम था रघुनाथ सिंह। क्या नाम था? रघुनाथ सिंह। तो ये सबसे आगे नेता थे, सागरमल गोपा भी थे। तो रघुनाथ सिंह को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया 1932 वाले महेश्वरी नव युवक मंडल वाले मामले में। सागरमल गोपा ने इस मुकदमे को देखा और उनको पता चला कि यार जैसलमेर में तो कोई न्याय नाम की चीज है ही नहीं, न्याय व्यवस्था तो बिल्कुल भ्रष्ट है, जो चाहे जैसी चाहे सजा दे सकते हैं, जिस व्यक्ति को चाहे जैसा गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने, याद रख लेना, सागरमल गोपा की तीन पुस्तकों का जिक्र आएगा। सागरमल गोपा ने पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, इसी मामले को देखकर रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यह पुस्तक उन्होंने लिखी। अब राजा पहले ही नाराज था और इस वजह से और नाराज हो गया। सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जैसलमेर से उनको निष्कासित कर दिया गया। सागरमल गोपा जैसलमेर से चले गए हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत ने कहा कि आप यहाँ नहीं घुस सकते, क्योंकि राजा राजा वो चोर चोर मोसेरे भाई। तो हैदराबाद वालों ने कहा नहीं घुस सकते आप। तो उसके बाद में वो कहाँ रहने लगे? नागपुर में। याद रख लेना, सागरमल गोपा कहाँ चले गए? नागपुर। नागपुर में रह रहे थे। 1937 में जैसे हमने प्रजामंडल में पढ़ा था लोक परिषदों की स्थापना हो रही थी, तो यहाँ भी लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया गया। लेकिन राजा तो तैयार था, स्थापना का प्रयास करो चाहे मत करो, तो राजा तैयार था। इस प्रयास में जो लोक परिषद की स्थापना हुई, इसके प्रयास में कौन कौन थे? एक था शिवशंकर गोपा जो कि सागरमल गोपा का भाई हुआ करता था, दो भाइयों की जोड़ी थी, ये भी काफी प्रसिद्ध थे, शिवशंकर गोपा जो सागरमल गोपा के भाई थे। और एक थे मदनलाल पुरोहित, वो भी इस परिषद के स्थापना से जुड़े हुए थे, तो वो भी जुड़े। इसके अलावा एक थे लालचंद जोशी। तीन व्यक्तियों ने लोक परिषद की स्थापना का प्रयास किया 1937 में, लेकिन यह प्रयास भी जैसलमेर के शासकों ने दबा दिया। अब बात करें आगे, तो 1937 के बाद में 1940 की घटना आती है। 1940 में नागपुर में सागरमल गोपा थे, इधर शिवशंकर गोपा को भी लोक परिषद की स्थापना की वजह से जैसलमेर से निर्वासित कर दिया गया। तो शिवशंकर गोपा भी अपने भाई के पास कहाँ पहुंच गए? नागपुर। नागपुर में 1940 में उन्होंने, सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी जो काफी महत्वपूर्ण थी, जैसलमेर का गुंडा राज, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी। देखो, एक तो लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा, एक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज, और एक और पुस्तक को याद रखना है आजादी के दीवाने। तीन पुस्तकें उनकी महत्वपूर्ण थी आजादी के दीवाने। तो जो ही 1940 में इन्होंने पुस्तक लिखी जैसलमेर का गुंडा राज, जिसमें जैसलमेर की अव्यवस्था, जैसलमेर के राजाओं की गुंडागिर्दी, बदमाशी, इन सब को इसमें उजागर किया। जैसलमेर का शासक भड़क गया, बाहर बैठे थे सागरमल गोपा नागपुर में, जैसलमेर का शासक भड़क गया, लेकिन करे तो क्या करे, नागपुर में बैठे, अब जोर तो चलेगा नहीं नागपुर में। तो उसके बाद में 1940 में जो सागरमल गोपा थे उनके पिता की मृत्यु हो गई, अखेराज करके उनके पिता थे, और जैसलमेर दरबार में रहते थे, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई, दोनों भाई कहाँ बैठे थे? सागरमल गोपा और शिवशंकर गोपा बैठे थे नागपुर में। अब भाई पिता की मृत्यु हो गई तो जैसलमेर तो आना ही आना था, तो जैसलमेर में आए कैसे? वहां तो राजा नाराज, राजा ने निर्वासित कर रखा था, जैसलमेर में आए तो शासक गिरफ्तार करवा दे। तो सागरमल गोपा ने, पॉलिटिकल एजेंट था अंग्रेज अधिकारी, तो उससे कहा कि मैं पिता के अंतिम क्रियाक्रम में मैं आना चाहता हूं, लेकिन वो गिरफ्तार कर लेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंट ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप आओ, आपको गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन 1941 में जो ही गोपा आए तो उनको 22 मई 1941 को बंदी बना लिया गया। पहले वादा कर रखा था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 22 मई 1941 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद में हम देखें तो गिरफ्तार करने में एक व्यक्ति थे जिसको आप याद रखना, थानेदार थे, जिनका नाम था गुमान सिंह, बड़ा क्रूर व्यक्ति था। थानेदार कौन था? गुमान सिंह, बड़ा क्रूर दुष्ट व्यक्ति था। तो जो ही सागरमल गोपा को गिरफ्तार किया, जेल में यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। 1941 में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उस व्यक्ति को
3 अप्रैल 1946 की इनकी हत्या कर दी गई। इस कहानी को सुनना देखो ध्यान से कि गुमान सिंह ने जब गिरफ्तार किया तो सागरमल गोपा को जेल में यातनाएं देने प्रारंभ कर दिया। तो सागरमल गोपा ने भी जो शेख अब्दुल्ला है बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को संपर्क किया कि मेरे साथ है वो गुमान सिंह, बड़े अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, कभी पीटता है, कभी उल्टा लटकाता है, इस प्रकार कर रहा है, तो आपको कुछ ध्यान देना चाहिए। उसी समय जो बड़े राष्ट्रीय नेता थे जैसे शेख अब्दुल्ला को भी उन्होंने पत्र लिखा था, तो उनकी वजह से एक पॉलिटिकल एजेंट को भेजा गया कि आप जांच करके आओ कि वहां जैसलमेर में गुमान सिंह और सागरमल गोपा के साथ क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल एजेंट था वो 5 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन गुमान सिंह 5 अप्रैल से पहले ही, 2 दिन पहले ही, 3 अप्रैल 1946 को ही सागरमल गोपा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और इस वजह से 3 अप्रैल 1946 को सागरमल की मृत्यु हो गई। गुमान सिंह ने कहा कि मैंने तो नहीं मारा, इन्होंने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड केस डिक्लेयर कर दिया और सागरमल गोपा की वहां जेल में हत्या कर दी गई। उसके बाद में देखे तो एक कमेटी गठित हुई इस जांच के लिए, और उस कमेटी का नाम था, जांच आयोग बैठा जिसका नाम था गोपाल स्वरूप, इसके अध्यक्ष थे गोपाल स्वरूप। सरकार ने जांच के लिए कि ये हत्या है या आत्महत्या है, तो गोपाल स्वरूप की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी, लेकिन ये जांच कमेटी भी गुमान सिंह से भी डरती थी और वहां के शासक से भी डरती थी। तो जांच कमेटी ने भी कहा कि सागरमल गोपा ने क्या की है, आत्महत्या। तो याद रख लेना ये जो कमेटी थी वो कमेटी का नाम कौन सा था, गोपाल स्वरूप, नाम तो गोपाल था लेकिन ये सागरमल गोपा को ही कहा कि इन्होंने आत्महत्या की है, सागरमल गोपा ने आत्महत्या को डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद में जब सागरमल गोपा का जनाजा निकला तो उसमें एक आंदोलन चला था, खून का बदला खून, ये लोगों ने नारे लिखे थे, खून का बदला खून। ये जैसलमेर में जगह जगह लिखा गया कि सागरमल गोपा कहा है हम खून का बदला खून से लेंगे। तो कई बार पूछा जाता है कि जैसलमेर ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसमें खून का बदला खून नामक नारे दिए गए थे, तो ये था जैसलमेर प्रजामंडल। आज भी आपको पता है कि सागरमल गोपा के नाम से इंदिरा गांधी की एक वितरिका का नाम सागरमल गोपा वितरिका रखा गया, तो ये काफी महत्वपूर्ण थे। इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। इसी बीच 1945 में सागरमल गोपा जेल में थे और इसी समय जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और वो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई, तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 15 दिसंबर 1945, याद रख लेना 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जोधपुर में। आपको देखो बीकानेर प्रजामंडल में पढ़ा रहा था, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, वैसे ही जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई, जोधपुर में। एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था मीठालाल व्यास द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना 1945 में 15 दिसंबर 1945 को हुई। उसके बाद में शासक थे गिरधारी सिंह, और आप सबको पता है गिरधारी सिंह के समय जैसलमेर रियासत पहले पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन जोधपुर का विलय हो गया और जोधपुर का एकदम अनुसरण करने वाली रियासत थी। तो जो ही जोधपुर बृहद राजस्थान में मिला वैसे ही जैसलमेर रियासत भी उनके साथ साथ मिल गई, और उस समय शासक थे गिरधारी सिंह, याद रखने वाली बात है, कौन थे, गिरधारी सिंह। तो ये थी आपकी जैसलमेर प्रजामंडल की जानकारी, और मैं समझता हूँ यहाँ से बाहर कोई सवाल आने की गुंजाइश आज तक नहीं रही है और न कोई सवाल बनता है। तो ये थी जैसलमेर की जानकारी। एक और निवेदन है यार, अब वीडियो को देखते हो, अंत तक देखते हो, आपके काम का है, इस गर्मी में मैं क्लास बना रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों को शेयर करो। एक नए प्रजामंडल जिसमें हम एक और छोटे छोटे प्रजामंडल की बात करेंगे उसको लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।